जेहलम से खातून ने सवाल किया है कि 10 साल पहले इनके चचा फौत हो चुके हैं, तो क्या इनकी तरफ से कुर्बानी की जा सकती है। तो मोहतरमा, गुजारिश ये है कि बिला शको शुबा की जा सकती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत की तरफ से एक मेंढा कुर्बान किया। ये इस बात का सबूत है कि दूसरे की तरफ से कुर्बानी भी हो सकती है। और अगर तो चचा ने वसीयत की थी कि मेरी तरफ से कुर्बानी कर देना, तो ऐसी सूरत में तो जो आप जानवर ज़बह करेंगे उसका कुल गोश्त फकीरों में बांटना होगा, गनी नहीं खा सकते। और अगर आपके अंकल ने वसीयत नहीं की थी, आप वैसे ही इस आले सवाब के लिए करना चाहती हैं, तो ऐसी सूरत में कुर्बानी करें, उन्हें सवाब भी पहुंचेगा और इसका गोश्त आप खुद भी खा सकती हैं, दूसरों को भी दे सकती हैं। ये वैसा ही है कि जैसे आप अपनी तरफ से कुर्बानी करते हैं। जज़ाकअल्लाहु खैरा, वल्लाहु तआला आलम जल्ला जलालुहु।